जैसा हम सब जानते हैं कि दो तीन सिविलियन अटैक के बाद हम लोग ऑपरेशन को बहुत ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। अभी तक में 8 इनकाउंटर हुआ है, इसमें 11 टेररिस्ट मारे गए हैं। जैसा आपको पिछले बार मैंने शेयर किया था कि सिविलियन किलिंग के बाद श्रीनगर सिटी का टेररिस्ट कुछ साउथ कश्मीर तरफ भाग गया था, जिसमें कि एक शोपियां में मारा गया था। और आज ये इनकाउंटर हम लोग जो ऑपरेशन लॉन्च किए अब पुलवामा में, तो वहाँ पर शाहिद मारा गया जो कि पीडीटी के मुलाजिम थे, उसको मारा था। जिस AK-47 को यूज किया था वह रिकवर हो गया है, और उसके अलावा बहुत सारे टेरर अटैक में इन्वॉल्व था। और दूसरा इनकाउंटर बेमनाम हुआ, श्रीनगर पुलिस को इतला मिली कि जो तंजील जो है लोकल टेररिस्ट है TRI पैलेटी का, वहाँ छिपा हुआ, तो पुलिस की एक पार्टी, छोटी सी पार्टी की, श्रीनगर पुलिस की पार्टी चैलेंज किया, उधर से फायरिंग शुरू कर दिया। हम लोगों ने मौका दिया इसको सरेंडर करने का, सरेंडर नहीं किया, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें तंजील भी मारा गया। तो श्रीनगर सिटी में जैसा हम सब जानते हैं कि टोटल 5 टेररिस्ट था, जिसमें कि आज 2 मारे गए हैं और 3 बच गया है जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर श्रीनगर में भी कुछ मूवमेंट्स है। हाँ बिल्कुल, 3 टेररिस्ट है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, या तो वो साउथ कश्मीर जाएगा, चाहे नॉर्थ जाएगा, या सिटी में रहेगा, जहाँ में रहेगा उसको ट्रैक डाउन करके हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। उसमें सर जो ये पुलवामा और बिमना कैंट दोनों जगह कॉल ऑफ हो गया एनकाउंटर? हाँ दोनों कॉल ऑफ हो गया है, और हमारे साइड से, पुलिस साइड से सब सही सलामत है।